हेलो बच्चों, आज हम पाठ दो पढ़ेंगे। ऐसे थे महामना। बच्चों, बहुत से ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज और देश सेवा में लगा दिया। समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य किए। ऐसे ही एक महान व्यक्ति के कुछ प्रसंग इस पाठ में दिए गए हैं। प्रयाग की एक गली में एक बीमार कुत्ता पड़ा था। चोट लगने से उसके शरीर में घाव हो गए थे और उनमें कीड़े पड़ गए थे। कुत्ता दर्द से तड़प रहा था और चिल्ला रहा था। आते जाते लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते। तभी 12 वर्ष के एक बालक का मन कुत्ते की पीड़ा देखकर दया से भर गया। वह तुरंत डॉक्टर के पास गया और उससे दवा लाकर कुत्ते के घाव पर दवा लगाने लगा। दवा तेज थी। दवा लगते ही कुत्ता गुर्राता हुआ दांत दिखाने लगा। यह देखकर तमाशबीनों में से कोई चिल्लाया, अरे बच्चे हट जाओ, यह कुत्ता तुम्हें काट लेगा। पर बालक दवा लगाता रहा। कुछ दिन नियमित रूप से दवा लगाने पर कुत्ता भला चंगा हो गया। दुखियों के प्रति करुणा का भाव रखने वाला यह बालक था पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें आगे चलकर महामना उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना जीवन देश सेवा, समाज सुधार और शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। 1916 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय के शिक्षक कभी कभी उद्दंडी छात्रों को उनकी गलतियों के लिए आर्थिक दंड दिया करते थे। छात्र दंड को माफ कराने के लिए मालवीय जी के पास पहुंच जाते थे। महामना उनका दंड माफ कर देते थे। यह बात शिक्षकों को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वे मालवीय जी के पास जाकर बोले, महामना, आपके द्वारा उद्दंडी छात्रों का दंड माफ करने से बुराई को बढ़ावा मिल रहा है, उनका मनोबल बढ़ रहा है, इससे अनुशासनहीनता बढ़ती है, इसलिए आप उनका दंड माफ ना किया करें, इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। शिक्षकों की बात सुनकर मालवीय जी बोले, भाइयों, जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था तो एक दिन गंदे कपड़े पहनने के कारण मुझ पर 6 पैसे का आर्थिक दंड लगाया गया था। उन दिनों मुझ जैसे छात्र के पास 2 पैसे साबुन के लिए नहीं होते थे। भला 6 पैसे दंड देने के लिए कहाँ से लाता? उस दंड की पूर्ति मैंने किस प्रकार की, यह सोचते ही मेरे हाथ स्वतः छात्रों के प्रार्थना पत्र पर क्षमा लिख देते हैं। मालवीय जी का उत्तर सुनकर किसी अध्यापक से कुछ भी कहते ना बना। ऐसे उदार और सहृदय थे महामना मदन मोहन मालवीय। एक बार मालवीय जी गाड़ी से एक सभा में सम्मिलित होने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक महिला को सड़क के किनारे घायल अवस्था में करहारते देखा। पास ही एक अबोध बच्चा लेटा हुआ था। मालवीय जी ने तुरंत गाड़ी रुकवाई, उस महिला और बच्चे को गाड़ी में बैठाया तथा ड्राइवर से तुरंत अस्पताल चलने को कहा। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी को अस्पताल ले गया। अस्पताल में महिला का उपचार शुरू होने के बाद मालवीय जी ने उसे कुछ रुपए दिए और वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। फिर ड्राइवर से बोले, अब चलो। मालवीय जी में मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके हृदय में देश और देशवासियों के लिए अपार स्नेह था। डॉक्टर राधा कृष्णन ने उनकी कर्मठता को देखते हुए उन्हें कर्मयोगी कहा था। 24 दिसंबर 2014 को पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। ऐसे सत्पुरुष का भारत सदैव ऋणी रहेगा। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी जो मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर थी, और आशा करती हूँ कि आपने ध्यान से सुनी होगी। बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा दुखियों पर दया दिखाना, सभी जीवों के दुख दर्द को दूर करना, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी जैसा समझना, मानव सेवा को अपना कर्तव्य मानना। बच्चों, एक सच्चा मानव वही है जिसके हृदय में दया व करुणा है। ऐसा व्यक्ति ही सही अर्थों में समाज सेवक व देशभक्त कहलाने योग्य होता है। दयालु हृदय प्रसन्नता का फव्वारा है जो अपने पास की प्रत्येक वस्तु को मुस्कानों से भरकर ताजा बना देता है। बच्चों,
आप इस प्रसंग के प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ, रिक्त स्थान स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।